System launcher. Airtel service. वेलकम टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एप्लीकेशन के हर एक फीचर्स को हम बहुत ही आसानी से और पूरे एक्सेसिबिलिटी के साथ किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। ये एप्लीकेशन को मैंने क्लिक किया। ओके, वेलकम टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय एंड्रॉइड मोबाइल कैफे, डिस्क्लेमर, दिस ऐप, ओके बटन। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर एक वेलकम मैसेज यहाँ पर शो होगा और उसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन के विषय में कुछ जानकारियाँ दिया हुआ है। एप्लीकेशन के हर एक फीचर्स के विषय में बताया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए इसे आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अनलेबल्ड बटन। जैसे ही आप इस ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इस ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे और अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी बग्स देखने को मिलेगी, मगर वैसी कोई बातें नहीं है। आप इजीली इन सब का भी सलूशन निकाल सकते हो और अब इसी वीडियो में आपको इसका सलूशन भी बताया जाएगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। एप्लीकेशन के अंदर एंटर करने के बाद अब क्या क्या ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, इसे हम जानते हैं। सबसे पहले हमें एक बटन मिलता है अनलेबल। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 अनलेबल बटन है। पहला अनलेबल बटन का काम है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसके डेवलपर को SMS कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन के विषय में जानकारी चाहिए तो आप SMS के बटन पर क्लिक करके मुझे SMS ज़रूर करें। अगला बटन है अनलेबल, जो कि एक नोटिफिकेशन बटन है। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जितने भी अपडेट्स आए हुए रहेंगे और कुछ भी अगर नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन का आया हुआ रहेगा तो उसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला बटन ये शेयर का बटन है। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से डायरेक्टली अपने दोस्तों को इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, शेयर करना ना भूलें। आप इस तीसरे नंबर के अनलेबल बटन पर क्लिक करें और हमारे इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर कुल मिलाकर यहाँ पर 3 अनलेबल बटन्स के ख़त्म होने के बाद हमें अब इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें मिलेगा एंड्रॉयड मोबाइल कैफे। ये सबसे पहला एंड्रॉयड मोबाइल कैफे का बटन है। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल कैफे के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल कैफे यूट्यूब चैनल, एंड्रॉयड मोबाइल कैफे के द्वारा एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर यूजफुल जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड्रॉयड मोबाइल कैफे के व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ से आप एंड्रॉइड मोबाइल कैफे के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एंड्रॉइड मोबाइल कैफे के यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड मोबाइल कैफे के द्वारा यूजफुल एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड्रॉइड मोबाइल कैफे के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर तो इस बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसे आगे बढ़ते हम वॉच एंड अपलोड वीडियोज़। जी हाँ, यहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं और आप खुद भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए हैं, इन में से किसी भी कैटेगरी में आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और आप किसी भी कैटेगरी के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर से किस प्रकार से आपको वीडियो अपलोड करना है और किस प्रकार से आप लोगों के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा प्लीज़ कम्प्लीट योर प्रोफाइल, मतलब यहाँ पर आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वो प्रोफाइल इसलिए क्योंकि यदि आप इस एप्लीकेशन में अपना कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका प्रोफाइल लोगों के सामने शो हो। चलिए फिर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको ओके करना है। देखिए यहाँ पर एक परमिशन मांगा जा रहा है जो कि आपके फाइल का है, वो इसलिए क्योंकि आपके फाइल को एक्सेस किया जा सके और वहाँ से आप इजीली किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर सके। और इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपसे सिर्फ आपके स्टोरेज का ही परमिशन मांगा जाएगा।
अलाउ कर देता हूँ। चलिए इस प्रकार से हमने अपना प्रोफाइल अब क्रिएट करना है, और उससे पहले जैसे ही आप सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद यहाँ पर कुछ बटन से आपको मिल जाते हैं, दो एक्स्ट्रा बटन। ये एक ड्रॉअर बटन है, नेविगेशन ड्रॉअर, और ये एक होम बटन है जो कि टॉकबैक रीड नहीं कर रहा है। ये पहला अपडेट है इस एप्लीकेशन का, इसलिए ये सारे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आपको मिलेंगे, मगर इसका सोल्यूशन भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। चलिए फिर यहाँ पर कुल मिलाकर जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल वाले पे, तो ये ड्रॉअर, ये होम, ये अनलेबल, ये अनलेबल बटन वही बटन है पहला जो मैं बताया था, SMS, दूसरा नोटिफिकेशन और तीसरा शेयर। चलिए अब पहले यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल गया, यहाँ से आपको ना प्रोफाइल क्रिएट कर लो। चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, पहले नाम पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। Gender. अब जेंडर पूछा जा रहा है। Optional. Drop down. Mail. Two or three. या चलिए जेंडर सेलेक्ट किया। Drop down. Receive alerts. यहाँ पर received alerts icon and sound तो का ऑप्शन है, तो यहाँ पर icon and sound को सेलेक्ट करना है। Drop down menu. Icon and sound. Icon and sound. Entertainment world. Images. अगला बटन है इमेज, जिसे आपको छोड़ देना है, फिर save. ये सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। Alert saving. Alert welcome to video section. Saving. यहाँ पर आप हर एक कैटेगरियों में अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं और खुद भी अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आप यहाँ अपना कोई वीडियो अपलोड, okay, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्लिक क्रिएट कर लेते हैं, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको आप वीडियो सेक्शन में एंटर कर जाएंगे, और वीडियो सेक्शन में जैसे ही आप एंटर करेंगे एक मैसेज यहाँ पर आपको शो होगा कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके विषय में सारा जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप जब भी वीडियो अपलोड करें तो यहाँ पर आप हर एक कैटेगरी में वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी किसी कैटेगरी में आपको करना है। इसके अलावा कोई भी फेक वीडियोस को अपलोड ना करें, कोई भी अनलीगल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप अपलोड ना करें, ये इसका गाइडलाइन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये जब भी बार बार अगर आप इस सेक्शन में एंटर करेंगे तो बार बार ये मैसेज शो करेगा, तो यदि आप चाहते हैं ये मैसेज बार बार शो ना करे तो यहाँ पर डोंट शो अगेन के बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ ओके कर देना है, okay, तो ये बार बार शो नहीं करेगा। तो चलिए अब हम वीडियो सेक्शन में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से आप अपना कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं और दूसरे के वीडियोस देख सकते हैं। तो उससे पहले ये जो कुछ बटन्स हैं जो कि रीड नहीं कर रहा है ठीक से, ये जैसे कि ये होम बटन है जबकि ये इको होम रीड कर रहा है जबकि ये होम बटन है। चलिए तो इस बटन को आपको दिक्कतें आ सकती है, तो सबसे पहले आप इसे लेबल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे आप एक नया नाम दे सकते हैं। ये होम बटन है तो आप इसे होम बटन बना सकते हैं, उसे आपको किस प्रकार से करना है मैं इसे आपको बताता हूँ। तो ध्यान रहे ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप जितने भी बटन ठीक से काम नहीं कर रहा उस बटन में आप लगा सकते हैं, और नेक्स्ट अपडेट में आपको इन सब का कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेगा। चलिए और ये अनलेबल बटन पर वर्क नहीं करेगा। चलिए ये सबसे पहला बटन है इको होम, ये रेड कर रहा है तो इसे आपको होम बटन बनाना है। तो होम बटन किस प्रकार से बनाना है आपको मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको एक जेस्चर का इस्तेमाल करना है जो कि इस प्रकार से है, स्वाइप डाउन देन अप देन राइट, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का जेस्चर है। ध्यान रहे जब भी आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करें तो आपका कर्सर उस बटन पर होना चाहिए जिस बटन को आप लेबल बनाना चाहते हैं, जिस बटन का नाम आप चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे आप स्वाइप डाउन देन अप देन राइट करेंगे, ये लोकल कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन करेंगे, तो ऐसे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा ऐड लेबल, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। Alert labels. Add label. Cancel. Add label. Showing English. UK. QWERTY. Keyboard. Alert. Add label. चलिए देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पर लेबल टेक्स्ट ऐड करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस बटन का आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं होम रखना चाहता हूँ क्योंकि ये इको होम रीड कर रहा है, उसे चेंज करके मैं होम बनाना चाहता हूँ, तो होम लिख दीजिए आप यहाँ पर।
HOME. चलिए होम लिख दिया है चौमी। एडिटिंग होम एडिट बॉक्स कैट ओके बटन। अब ये ओके बटन पर क्लिक कर देना है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड होम बटन इंग्लिश यूके। अरे ये होम बटन बन चुका है। देखिए सबसे पहला हमारा ये नेविगेशन ड्रॉअर का बटन है। ड्रॉअर बटन। अगला बटन है होम बटन। ये होम देखिए जो कि इको होम रीड कर रहा था अब ये होम बन गया है। अनलेबल बटन। और ये तीन अनलेबल बटन फिर से आ जाएगा, ये मैसेज और नोटिफिकेशन और शेयर। अनलेबल बटन। अब हमारा ये वीडियो का सेक्शन शुरू होता है। लेटेस्ट वीडियोस ऑल। देखिए यहाँ पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हुए हैं पहले से किए हुए हैं लोगों के द्वारा, मतलब इस एप्लीकेशन की यूजर्स के द्वारा, वे सारे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं जैसे कि स्पोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक है, पोएम है, जोक्स है, तो इतने सारे कैटेगरीज है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट में लेटेस्ट सिलेक्टेड हैं, मतलब लेटेस्ट जितने भी वीडियोस अपलोड हुए रहेंगे वे आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में से कुछ वीडियो देखें, सिर्फ स्पोर्ट्स में जितने अपलोड हुए वे देखें, तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉमेडी का वीडियो देखें, कॉमेडी में जितना अपलोड हुआ है उसे ही सिर्फ देखें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना कैटेगरी और कॉमेडी में सिर्फ कॉमेडी के वीडियोज़ ही देख सकते हैं। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि जो ऑल वीडियोस देखना है तो ऑल में सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर क्लिक करता हूं। लेटेस्ट वीडियोस सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू लेटेस्ट वीडियोस ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑल। देखिए ये जो दूसरे ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। पॉप अप विंडो टिक ऑल व्हाट म्यूजिक 2 ऑफ 11। यहां पर बहुत सारे कैटेगरी है, ऑल म्यूजिक, टेक्नोलॉजी 3 ऑफ 11, स्पोर्ट्स 4 ऑफ 11, कॉमेडी 5 ऑफ 11, एजुकेशन 6 ऑफ 11, पोएम 7 ऑफ 11, स्टेटस 8 ऑफ 11। तो इन बहुत सारे कैटेगरी है, इसमें से जिस भी कैटेगरी का वीडियो देखना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए ज़्यादा समय ना करते हुए मैं ऑल पर ही रहने देता हूँ। ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी के वीडियो देखना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। अगला बटन है प्रोफाइल। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, जो अपने नाम लिख रखा है उसे आपको चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। तो ये भी बटन ठीक से टॉकबैक रीड नहीं कर रहा है, ऐसे भी आपको उसी प्रकार से लेबल कर लेना है। तो ये जो रीड कर रहा है ये सब वीडियो है, ये इस एप्लीकेशन के यूजर्स के द्वारा अपलोड किया गया है। पहला जैसे सुभाष कुमार रीड कर रहा है, ये इस एप्लीकेशन में इसके द्वारा अपलोड किया गया है। दूसरा मैंने अपलोड किया है, ये मैंने स्टेटस के कैटेगरी में रीड किया, अपलोड किया था दोस्ती स्टेटस के नाम से। ये एक स्टेटस वीडियो है इसलिए यहाँ रीड कर रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस प्ले होगा, जिस भी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले होने लगेगा। तो ये इस प्रकार से है। चलिए सारे वीडियोस ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपको ये बटन मिलता है जो कि टॉकबैक ठीक से रीड नहीं कर रहा है, ये अपलोड वीडियो है। देखिए ये इस प्रकार से टॉकबैक रीड करेगा सभी सबसे एंड में। देखिए ये एक स्टेटस अपलोड वीडियो है। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मगर इस बटन को आपको अपलोड वीडियो से रीनेम कर लेना है, इसको आपको लेबल करना है। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं फिर से वही इस ट्रिक अपनाइए। आपको इस पर कर्सर रखना है, फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना है, लेबल एड लेबल, यहाँ पर अपलोड वीडियो लिख देता हूँ। D W E space upload replace upload capital upload V V I D E O O। देखिए यहाँ पर मैंने अपलोड वीडियो इसका नाम लिख दिया। ओके कर देता हूँ। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अपलोड वीडियो डस्ट अपलोड वीडियो बटन आउट ऑफ लिस्ट। जो वो इस प्रकार से बटन का नाम रीड कर रहा था अब ये अपलोड वीडियो में बदल चुका है। अब यहाँ से आप इसे आराम से समझ सकते हैं कि ये अपलोड वीडियो का बटन है। तो पहली बार अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये सारे दिक्कतें आएगी, मगर अगले अपडेट में ये सारा चीज़ ठीक कर दिया जाएगा। चलिए फिर ये दोस्ती स्टेटस अपलोड वीडियो। तो ये
अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतने ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हैं, मगर जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर आपको अपलोडेड मिल जाए। तो सबसे नीचे आखिरी वाले बटन अपलोड वीडियो के नाम से मिलेगा आपको, जो कि आपको चेंज कर लेना है। टॉकबैक आपको इस प्रकार से रीड नहीं करेगा। चलिए फिर इस अपलोड वीडियो में आपको क्लिक करना है और आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप अपना वीडियो किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड वीडियो, सेलेक्ट वीडियो बटन, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट वीडियो और यूज़ कैमरा। तो यूज़ कैमरा से आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई कुछ अगर आपको लाइव प्रेजेंट करना है तो उसे आप रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई पहले से ही वीडियो है उसे अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं लाइव कुछ नहीं करूँगा। यहाँ से वीडियो किस प्रकार सिलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। Resolver item icon, video files, 204, file manager. देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया है फाइल मैनेजर, यहाँ से आप अपने फाइल मैनेजर में जा सकते हैं और फाइल मैनेजर में से कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फाइल मैनेजर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर जिस भी वीडियो को आपको अपलोड करना है यहाँ पर उसे आपको सिलेक्ट करना है। मीडिया Wallpaper 0 WhatsApp animated GIF WhatsApp documents WhatsApp audio 2 items WhatsApp images 2 items WhatsApp profile photos WhatsApp stickers WhatsApp video 31 items. चलिए WhatsApp वीडियो में मैं आ चुका हूँ। तो ध्यान रहे जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आपका वीडियो का साइज छोटा होना चाहिए, जैसा कि गाइडलाइन में भी वहाँ पर लिखा हुआ है, और कम MB का होना चाहिए और कम समय का होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, लंबा वीडियो आप अपलोड ना करें। देखिए यहाँ पर है दोस्ती का एक सॉन्ग है, इसे हम अपलोड करना चाहते हैं। चलिए तो इसे अगर आपको अपलोड करना है किस प्रकार से करना है बताता हूँ। ये देखिए इस पर आपको इसे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ओके कर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको ओके का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। मगर उससे पहले ध्यान रहे कि यहाँ आप सिर्फ अपना वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऑडियो फाइल है, ऑडियो सॉन्ग है, उसे अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें आप एक इमेज लगाकर उसे आप वीडियो फॉर्मेट में चेंज कर लें, उसके बाद आप अपलोड करें। यदि आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है कि आप ऑडियो को वीडियो किस प्रकार से बदल सकते हैं, बना सकते हैं, इसके लिए आप एंड्रॉयड मोबाइल कैफे को देख चैनल को देख सकते हैं। चलिए फिर अब यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी में आप इस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं। चलिए कैटेगरी म्यूजिक 2 of 11, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कॉमेडी, एजुकेशन, पोएम, स्टेटस 8 of 11। चलिए मैं ये स्टेटस है इसलिए मैं स्टेटस के कैटेगरी में इसे अपलोड करके दिखाता हूँ। स्टेटस, स्टेटस ड्रॉप डाउन मेन्यू, स्टेट डिस्क्रिप्शन, एडिट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप आपके वीडियो का क्या टाइटल होगा, है किसके द्वारा अपलोड किया हुआ है, तो वो सारा चीज़ लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर English, UK, capital F, ये दोस्ती स्टेटस है, capital D. मैं सिर्फ दोस्त लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। OOSYTT, चलो दोस्त लिख दिया, cancel, send, सेंड कर देता हूँ। अलर्ट अपलोडिंग, यहाँ पर वेट कीजिए, आपका वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, और यदि आपका बटन लेबल नहीं है, टॉकबैक कुछ और बटन रीड कर रहा है, जैसे अपलोड वीडियो का कुछ और रीड कर रहा है, तो उसे आपको इस प्रकार से लेबल कर लेना है। और आप यहां पर जब भी अपलोड करें तो वीडियो फाइल को ही अपलोड करें। देखिए ये वीडियो मेरा बहुत थोड़ा लंबा है इसलिए इतना समय लगा रहा है, इसलिए आप अपना छोटा से छोटा फाइल को अपलोड करें। तो कोई नहीं, थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ परसेंट अभी बाकी है, आप यहां पर वेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक कैटेगरी में आप चाहें तो वीडियो अपना अपलोड कर सकते हैं। और आपको किस प्रकार से ऑडियो फाइल को वीडियो में बदलना है इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल कैफे चैनल को ज़रूर देखें, वहां पर आपको बताया गया है इसके विषय में। तो चलिए फिर मैं वेट कर लेता हूं कब तक ये अपलोड होता है। देखिए अपलोड हो चुका है, देखिए बहुत लंबा वीडियो मैं अपलोड जानबूझ कर किया, ताकि ये कितना लंबा वीडियो अपलोड होता है मैं देख रहा था, तो ये लंबा वीडियो भी अपलोड हो गया, मगर ये समय लगाएगा, जितना समय YouTube पर भी लग जाता है। देखिए वीडियो हैज़ बीन पब्लिश्ड, ओके पर ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
Entertainment World. Upload video button. चलिए अब मैं अपलोड किया, अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर ये अपलोडेड वीडियो मिलेगा। Subhash, dust, new, burful, button, out of देखिए, list. मैं यहाँ पर जो लिखा dust, new, ये देखिए दोस्त वीडियो मिल गया। तो देखिए इस प्रकार से ये वीडियो है, तो मैं वॉल्यूम कम कर दिया। तो जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा। फिर से आपको यहाँ भी वही बटन मिलेगा, नेविगेशन ड्रॉअर, यहाँ से आप होम जा सकते हैं, अनलेबल, यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन और शेयर। ये वीडियो का टाइटल, ये किसके द्वारा और कब अपलोड किया गया, यहाँ से अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ जीरो कोई भी लाइक नहीं है। देखिए ये बटन है डिलीट का, लाइक के आगे एक बटन आपको मिलेगा, इस प्रकार से टॉकबैक रीड करेगा। देखिए ये है डिलीट बटन, अगर आपका वीडियो है अपलोड किया हुआ है इसे आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस बटन को भी आपको लेबल कर लेना है। तो उससे पहले यदि आप वीडियो अपलोड करते हैं किए हैं तभी आपको ये बटन मिल जाएगा मिलेगा, और जो वीडियो अपलोड नहीं किया है उनके पास भी यदि आप देखते हैं तो आपके पास भी ये वीडियो यहाँ ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस बटन का आपके पास ये काम होगा कि यहाँ से आप उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, फेवरेट में लिस्ट में उस व्यक्ति को डाल सकते हैं, और आप जब भी फेवरेट वाला कैटेगरी में जाएंगे तो उनका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर आपको कमेंट करना है, वीडियो अच्छा लगा कैसा लगा वो सब आप कर सकते हैं। चलिए फिर तो वीडियो को डिलीट किस प्रकार से करना है मैं आपको बताता हूँ। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से मैं फिर से वहीं पर आ चुका हूँ वीडियो वाले सेक्शन में, यहाँ पर जितने वीडियोस हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल का नाम भी आपको चेंज कर लेना है, लेबल कर लेना। चलिए बैक करता हूँ। तो कुल मिलाकर पहला बटन था वॉच एंड अपलोड वीडियोस, दूसरा वी आई टैलेंट, यहाँ पर विजुअली इम्पेयर के जितने भी टैलेंट्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जैसे कि कोई अगर अच्छा गाना वगैरह गाता है तो उनके सॉन्ग्स को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और इसके अलावा हाँ, कोई भी अगर अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं, कोई भी अगर कॉमेडी, मिमिक्री, पोएम, इन सब टैलेंट्स को उनके अपलोड किए जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर वी आई टैलेंट के अंदर आपको ये सारे चीज़ें मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ला लेते हुए इसे मैं आपको अभी नहीं दिखाता हूँ, आप बहुत ईजी है, सेम जो वॉच एंड अपलोड वाले ऑप्शन में जितने सारे ऑप्शंस मिले यही सारे ऑप्शंस यहाँ भी आपको मिलेंगे। यहाँ से भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जितने भी चीज़ें वहाँ पर थे वो ये सारे चीज़ यहाँ पर मिलेंगे। अगला बटन है यूजफुल साइट्स, यहाँ से आप अपने यूजफुल साइट्स को विजिट कर सकते हैं और अपने कार्यों को और भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे ये आप इजीली सारी चीज़ों को कर पाएँ, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर इसका भी एक मैसेज शो हो रहा है जिसे आपको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो आपको ओके कर देना है, आप जरूर सुने मैसेज यहाँ पर। फिर से इस साइड में भी आपको यहाँ पर नेविगेशन ड्रॉअर का बटन मिलेगा, होम बटन मिलेगा और तीन अनलेबल बटन मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट रिंगटोन विथ योर नेम, यहाँ से आप अपना अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। तो जो नेविगेशन ड्रॉअर और तीन अनलेबल बटन था वो बटन वही है जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर क्रिएट रिंगटोन विथ योर नेम, यहाँ से आप अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। क्रिएट बर्थडे सॉन्ग विथ योर नेम, यहाँ से आप अपने नाम का बर्थडे सॉन्ग भी बना सकते हैं। यहाँ से चेक योर ट्रेन पीएनआर स्टेटस, यहाँ से आप अपने ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक लाइव ट्रेन स्टेटस, यहाँ पर आप किसी भी ट्रेन को देख सकते हैं वो ट्रेन अभी कहाँ पर है। और अगला बटन है हॉट स्टार, यहाँ से आप हॉट स्टार के सारे चीज़ों को देख सकते हैं, जो भी लाइव न्यूज़, मूवी, सीरियल जो भी देखना आपको देख सकते हैं। चलिए इस इन साइड में से मैं कुछ को आपको बता देता हूँ।
ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए क्रिएट बर्थडे सॉन्ग विथ योर नेम और क्रिएट रिंगटोन विथ योर नेम दोनों सेम हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिएट बर्थडे सॉन्ग विथ योर नेम मतलब दोनों का एक ही प्रोसेस है, वहाँ से आप रिंगटोन इसी प्रकार से क्रिएट कर पाएंगे और बर्थडे सॉन्ग भी इसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ओके कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रिएट बर्थडे सॉन्ग विथ नेम में क्लिक करना है, जो कि मैं क्लिक किया और ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये फिर से वही तीन अनलेबल बटन्स मिलेंगे इसे पार करने के बाद। देखिए यहाँ पर आपको सर्च स्लाइड करते हुए आना है, जैसे ही आप क्रिएट बर्थडे सॉन्ग विथ नेम में क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड करते हुए तब तक यहाँ पर स्लाइड करना है जब तक कि आपको यहाँ पर एडिट बॉक्स ना मिल जाए। चलिए एडिट बॉक्स मिल जाएगा। एडिट बॉक्स मिलने के बाद यहाँ पर आपको वो नाम टाइप करना है जिस नाम से आप अपना बर्थडे सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के नाम से बर्थडे सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ टाइप करना है। मैं कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपने ही नाम का एक बर्थडे सॉन्ग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पर टाइप किया। आगे यहाँ पर सर्च बटन मिल जाएगा, तो ध्यान रहे और सब जगह आपको राइट की ओर सेलेक्ट करने से सर्च मिलता है, मगर आप अगर स्क्रीन रीडर अब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की ओर अगर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो सर्च बटन मिलेगा। लेफ्ट की ओर आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे। यहाँ पर आपको सर्च बटन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखकर यहाँ सर्च कर देना है और फिर से आपको स्लाइड करते हुए आगे आना है, आपको अपना बर्थडे सॉन्ग मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सारा अल्फाबेट दिया हुआ है, अगर आप सर्च नहीं करेंगे तो किस अल्फाबेट से आप रिंगटोन बनाना है, किस अल्फाबेट से आपका नाम शुरू है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, यहाँ से आपको इन सब चीज़ों को पार करते हुए स्लाइड करते हुए आगे बढ़ना है। ये अल्फ़ाबेट है ABCD, जल्दी जल्दी मैं स्लाइड कर देता हूँ। आप चाहते हैं देखिए यहाँ पर एक्सप्लोर बाय टच के माध्यम से भी कर सकते हैं, मगर बाद में आपको यूज़ करने में दिक्कत ना आए इसलिए मैं स्लाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर स्लाइड करना है आपको। देखिए स्लाइड करते हुए जैसे आप आगे आएंगे तब तक कि जब तक आपका नाम आपको ना मिल जाए, देखिए वहाँ से आपको स्लाइड करते रहना जब तक आपका नाम ना मिल जाए। देखिए मैंने सुमित सर्च किया था तो सुमित से जितना भी मिलता जुलता नाम है वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। देखिए सुमित देखिए अब आ गया सुमित। देखिए उससे पहले सुमित से पहले और भी सुमित से मिलता जुलता नाम जो है वो आ रहा था, तो आपके नाम में भी यही होगा। यदि आपका नाम राहुल है, यदि आपका नाम अजय है, सपोज कि आप अगर राहुल सर्च करते हैं तो राहुल से मिलता जुलता जितना भी नाम है वो सारा यहाँ पर शो होने लगेगा। तो जब तक कि आपको अपना नाम ना मिल जाए, राहुल ना मिल जाए, तब तक कि आपको यहाँ पर स्लाइड करना ही है, करते रहना है। फिर आपका नाम मिल जाएगा यहाँ पर, उस नाम पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक किया। अब देखिए फिर से आप वही नेविगेशन के पास पहुंच जाएंगे, यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए रहना है जब तक कि आपको आपका नाम का बर्थडे सॉन्ग ना मिले। चलिए ये बैटरी का नोटिफिकेशन था। फिर से आपको वही अल्फाबेट मिलेगा, यहाँ पर आपको इसे भी पार करना है, स्लाइड करते हुए रहना है। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आप ABCD को स्लाइड करते हुए पार कर जाएंगे फिर अब आपको मिल जाएगा आपका बर्थडे सॉन्ग। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट योर ऑप्शन, यहाँ पर से आप अपना बर्थडे सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अगला बटन है play birthday song. यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। चलिए इस पर क्लिक किया और देखिए बजने लगेगा। Happy birthday, sweet, happy
देखिए ये मेरे ये मैंने अपने नाम से लिखा था, तो यहाँ सुमित के नाम से बर्थडे सॉन्ग आ गया है। चलिए फिर इस प्रकार से आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, आगे अगर आप स्लाइड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, बैक आ जाता हूँ यहाँ से बाहर, और मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ। चलिए यहाँ से बैक कर लेना है। देखिए अब बैक करेंगे तो आप किसके होम पिछले पेज में जाएंगे, तो फिर से आपको बैक करना है। चलिए अब मैं आपको रिंगटोन किस प्रकार से बनाना है इसे भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। यहाँ से आप अपने नाम ये एक मैसेज शो हो रहा है, यहाँ से आपको ओके कर देना है आपको पढ़कर। अब यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए जाना है जब तक कि आपको सर्च एडिट बॉक्स का ऑप्शन ना मिले। देखिए यहाँ पर एडिट बॉक्स में आया, यहाँ पर आपको किस नाम से रिंगटोन बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है। टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति के नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं। मैं अपना नाम लिख दिया। अब राइट की ओर स्लाइड करना है, राइट में आपको सर्च का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। English, UK, Q-W-E-R-T-Y, keyboard hidden. और यहाँ पर आप अगर स्लाइड करते हुए आएंगे या फिर एक्सप्लोर बाय टच के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। Connect with your friends online. 5 April 21st. Sumit Jai Kripya phone is a Koyapko Dilziyakia ISDMR. Link. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अगर आपको स्लाइड करते हुए आना है जब तक कि आपको आपका नाम ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, सुमित जी प्लीज फ़ोन उठाइए, सुमित जी प्लीज पिकअप योर फ़ोन, इस तो आप किस टाइप का रिंगटोन चाहते हैं वो आपको से पूछा जा रहा है। जैसे कि ये देखिए तो इतने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। सुमित जी कृपया फोन से ये एक है, और अगला दिखाता हूँ मैं आपको। Sumit bhai please pick up the phone FDMR hindi name MP3 ringtone. यहाँ पर सुमित भाई प्लीज पिक अप योर फोन, ये सारा चीज है। तो सुमित जी प्लीज पिक अप योर फोन रखना चाहते हैं या फिर सुमित भाई प्लीज पिक अप योर फोन, तो आपके नाम का भी इसी प्रकार से मिलेगा। चलिए मैं सुमित भाई कर वाला सिलेक्ट करता हूँ। आपका अगर नाम कोई भी नाम है, अगर राहुल नाम है तो राहुल भाई मिलेगा, जो भी नाम है उस प्रकार से मिलेगा। आप जिस प्रकार का सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा सिलेक्ट रखना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर आगे आपको देखिए ये होने के बाद यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए आना है जब तक कि आपको डाउनलोड का बटन ना मिल जाए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि दिक्कत ना आए बाद में। स्लाइड करते हुए आना है। देखिए ये डाउनलोड का बटन मिल गया। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड रिंगटोन टू योर डिवाइस। रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए। देखिए जब तक कि आपको डाउनलोड का बटन ना मिल जाए तब तक आप यहां स्लाइड करते हुए आइए, और डाउनलोड का बटन मिलेगा तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये रिंगटोन आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाता हूं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, यहाँ से अब आपको बैक कराना है। चलिए बैक के जगह पे अगर आप होम आना चाहते हैं तो मैं होम कर देता हूँ। ये जो होम बटन मैंने लेवल तो इस प्रकार से हमने जाना बर्थडे सॉन्ग और रिंगटोन किस प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार से आप ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक लाइव ट्रेन स्टेटस, यहां से आप अपने ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं ट्रेन अभी कहां पर है। और यहां अगला बटन है हॉटस्टार, यहां से आप हॉटस्टार के कोई भी मूवीज़ वीडियोस, कोई भी लाइव टीवी या फिर न्यूज़, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, बैक कर देता हूँ, बाहर निकला यहाँ से। देखिए अब इस एप्लीकेशन में इतने ही फीचर्स है, तो आगे और भी ज़्यादा फीचर्स आप सबों के लिए ऐड किया जाएगा। ये इस एप्लीकेशन का ये पहला अपडेट है, इसलिए अभी आपको इतना ही कुछ मिलेगा। चलिए फिर अब मोर ऑप्शन अगला बटन है। मोर ऑप्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। मोर ऑप्शन में आपको क्लिक करना है।
Entertainment World. Give door, but home, unlabeled button. ये तीन unlabeled button वही है. Unlabeled, but join our all WhatsApp groups. Row one, okay. And grid. पहला three बटन rows, है. One column. Join our all WhatsApp groups. जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे WhatsApp groups हैं हमारे. आप इनमें से जितने जिन जिन WhatsApp group में join होना चाहते हैं उनमें आप join हो सकते हैं इस पर क्लिक करके. जैसे कि टेक्निकल फील्ड में टेक्नो इंडिया, एंड्रॉयड मोबाइल कैफे है, और संगीत के क्षेत्र में स्वीट म्यूजिकल ग्रुप, इन्फॉर्मेशन टूल, इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं. तो सारे के लिस्ट आपको मिलेंगे, या अपने हिसाब से आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. चलिए फिर अगला बटन है ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ से आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. अगला बटन है कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक. इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कोई अगर दिक्कतें आ रही है एप्लीकेशन में, या फिर अपना कोई सुझाव है आपके पास, तो अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप अपने मैसेज के जरिए हम तक कोई फीडबैक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे भी पहुंचा सकते हैं. आइए इसे किसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ. इस पर आपको क्लिक करना है. सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप. यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी अगर जानकारी है तो व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ. गिव योर फीडबैक. यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के को फीडबैक दे सकते हैं, इस डेवलपर को अपना कोई भी फीडबैक, हम तक अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं, या फिर कोई आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप पहुंचा सकते हैं. ये कैसे देना है आपको मैं बताता हूं. इस पर आपको क्लिक करना है. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड गिव डोर बट होम गिव योर फीडबैक सर्वे हार्ड वेब व्यू गिव योर फीडबैक वन योर फुल नेम. देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है योर फुल नेम. यहां पर आपको नाम लिखना है. रिक्वायर्ड टू योर ईमेल एडिट बॉक्स. यहां ईमेल आईडी रिक्वायर्ड. यहां व्हाट्सएप नंबर लिखना है. देखिए यहाँ पर आपका कोई जो मैसेज है उसे आपको लिखना है. Five, any suggestion, type here. कोई अगर आपका सजेशन है तो इसे आप टाइप कर सकते हैं और ओके करके या सेंड कर सकते हैं. ये फीडबैक हम तक पहुँच जाएगा, फिर जल्दी आपको इसका रिक्वेस्ट इसका आंसर मिल जाएगा. Entertainment world. Contact slash feed. तो कुल मिलाकर इस एप्लीकेशन में Entertainment world. More ops, privacy policy. अगला है प्राइवेसी पॉलिसी. तो ये भी अभी के लिए टेम्पररली ऐड किया गया है. नेक्स्ट अपडेट में आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी को भी अच्छे से देख पाएंगे. चलिए फिर तो कुल मिलाकर इतने सारे ऑप्शन सभी मिलते हैं. आप इसे इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़फुल फीचर्स हैं आपके आवश्यकता के अनुसार. और VI टैलेंट को आप लोग ज़रूर विजिट डेली करते रहे, रोजाना इसमें कुछ ना कुछ अपलोड किए जाएंगे. और इसके अलावा वॉच एंड अपलोड वीडियो में भी आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहें. और हमारे इस यहाँ से आप कोई भी यूज़फुल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं. चलिए फिर अब हम लेते हैं आपसे विदा. उससे पहले हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को अगर हमें किसी के साथ शेयर करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर तीन अनलेबल बटन आपको मिलेंगे. ये SMS, ये नोटिफिकेशन और ये शेयर. इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. इस पर क्लिक कीजिए. देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. WhatsApp, Facebook, Telegram, जिस भी माध्यम से शेयर करना है कर सकते हैं. चलिए अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा. तो अब दीजिए हमें इजाज़त. अब जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे इस अपडेट का एक नया अपडेट, इस एप्लीकेशन का एक नया अपडेट. और उस अपडेट में आपको सारे एक्सेसिबिलिटीज़ इशूज़ नहीं मिलेगी, और आपको और भी कुछ नए फीचर्स के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इस एप्लीकेशन को और अपना फीडबैक देना ना भूलें. धन्यवाद.